गढ़ा कोटा सोमवार की देर शाम लगभग 10 बजे नगर की पुरानी कमलटा कीज के सामने बजरंग बार में एक जूता चप्पल की गोदाम में अचानक तेज आग लगने से नगर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी लगते ही मौके पर रहली व गढ़ा कोटा की दमकलें पहुंच गई। मौके पर थाना पुलिस के साथ नगर पालिका सीएमओ भी पहुंचे और लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। ये गोदाम जलील खान की बताई जा रही है। घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारण अज्ञात है। आग इतनी तेज की कि आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। सूचना मिलते ही गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव ने भी मोर्चा संभाला और स्वयं आग बुझाने लगे। संवाददाता गढ़ा कोटा नीलेश दुबे। और बुझाई भी तो कैसे आपको जानकारी लगी और इतनी तत्परता से आप आए हो? देखिए, क्योंकि लोकल का मामला है हमारे गढ़ाकोटा शहर का, जल्लू भाईजान कहते हैं जिनके यहाँ पर यह आग लगी है और लगभग उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी इस आग के कारण हो गया। जूते के व्यवसायी थे, लेकिन बहुत बड़े व्यवसायी नहीं थे, मध्यम वर्गीय व्यवसायी थे और 4-5 लाख रुपए का उनका माल था। उसमें क्योंकि पूरा माल प्लास्टिक और रबड़ इत्यादि का था, इसलिए आग बहुत ज्यादा भड़की है। जिन लोगों ने आग देखी उन्होंने मुझे सूचना की। हमारे मित्र हैं वीरू यादव, वो यहीं पास में ही रहते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आया और हम सभी लोग, मेरी बात ही अकेली नहीं, यहाँ पर आने पर देखा तो 200-300 लोग थे जो सभी लोग आग बुझाने का काम कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो ऐसी संकट की घड़ी में मानव धर्म यही कहता है कि सबसे पहले आप किस प्रकार का सहयोग कर सकते वो आपको करना चाहिए। नुकसान ही बताया कि देखिए, हम सभी लोग आकलन लगा रहे हैं कि लगभग 4-5 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ होगा। फायर ब्रिगेड ने काबू तो कर लिया, अब जांच का बेहतर है। जांच करने के बाद आग की लगने का रिपोर्ट कहाँ जान पाएंगे। सर, पीड़ित का नाम भी पता है क्या? हाँ, जमील खान जल्लू, ये नाम बताया, उनकी जूते चप्पल दुकान में आग लगी। सर, नुकसान ही बता रहे हैं क्या? हाँ, लगभग 3-4 लाख नुकसान ही बता रहे हैं। सर, गोदाम में सिर्फ जूते ही जूते थे या और भी कुछ? जूते चप्पल ही पता पड़ा।